दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त पारुल चावला हृदयांश की मामा। गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज सुबह की मॉर्निंग हुई है आलू पूड़ी के साथ, यमी यमी आलू पूड़ी। बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं आपसे बातें करती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी सी सुबह सुबह ही रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आज हृदयांश की पीटीएम में जाना है, आज डे शिफ्ट मिलेगी और देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं हृदयांश से स्कूल, हृदयांश के स्कूल से आने के बाद। दोस्तों, पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको हृदयांश से स्कूल से आने के बाद मिलती हूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको आपके हृदयांश का स्कूल दिखाऊं, क्योंकि आज पीटीएम है, बच्चों का आना तो अलग नहीं है, बट आपका हृदयांश कहाँ इंजॉय करता है, जहाँ जाने के लिए वो छुट्टी मांगने को भी तैयार नहीं होता और ज़बरदस्ती करके स्कूल जाता है, वहाँ का व्यूज दिखाती हूँ मैं आपको। ये राइड्स हैं, ये उसके स्कूल का व्यू है जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। रोज इन पे उसको एंजॉय करने का टाइम दिया जाता है रनिंग के लिए। आपको पता ही है कि अभी वो सीनियर विंग में नहीं है, तो उसको ये सब एंजॉय करने को मिलता है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि मैं स्कूल आऊँ, मैं कभी भी छुट्टी ना लूँ। तो अभी हृदयांश के मैम के पास जाने का टाइम हो गया है और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको हृदयांश की पीटीएम के बाद मिलती हूँ। मैं घर जा रही हूँ, मैंने हृदयांश की मैम से मिल लिया है। हृदयांश की मैम का कहना है कि हृदयांश की स्कूल में परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, उसे सब कुछ आता है। मुझे उसकी डे शीट मिल चुकी है, अब हृदयांश इसको देख के, चाहे उसे सब कुछ आता है लेकिन वो डरने वाला है, उसका क्या रिएक्शन होगा मैं जानती हूँ। लेकिन पता नहीं यार डरता क्यों है, उसको सब कुछ आता है लेकिन डर जाएगा, हाय मामा एग्ज़ाम आ गई। बट मैं बहुत खुश हूँ, हृदयांश की मैम ने हृदयांश के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोला है। दोस्तों, मैं स्कूल से आ चुकी थी, कपड़े धुल चुके हैं, बच्चों ने सुबह आलू पूड़ी ब्रेकफास्ट में खाई थी, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए मेरा कुछ हेल्दी खाने का मन था। अगर आपका भी ब्रेकफास्ट स्किप करने का मन करे तो, और या कभी कुछ बनाने का मन ना हो या कुछ हल्का खाने का मन हो, तो आप ब्रेकफास्ट में एप्पल शेक बना सकते हैं, ये बच्चों को बहुत यमी लगता है। और अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करके ये पीना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं आप इसे, या नाइट में कुछ हल्का खाने का मूड है। इसके लिए मैंने दो एप्पल लिए हैं, मुझे थ्री क्लासेस बनाने हैं, तो मैंने दो एप्पल लिए हैं, रफली चॉप कर लिए हैं। इसमें सबसे मेन पार्ट्स जो रहेगा वो हमें इसके बाद छिलका नहीं उतारना, ताकि ये हेल्दी रहे। और दो गिलास मैंने दूध वगैरह ले लिया है, तो कुछ नहीं है, एप्पल शेक तो आप सब भी बनाते होंगे, लेकिन मे भी आजकल जो भी लोग बनाते हैं तो उसके छिलके उतार लेते हैं, लेकिन डाइटिशियन के अकॉर्डिंग अगर हमें हेल्दी चाहिए एप्पल शेक तो हम उसके छिलके नहीं उतारेंगे। और दो एप्पल मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, अब मैं इन सबको इकट्ठा बीट कर लूँगी। दो ग्लास दूध एड कर लिया है, इसमें मैं एप्पल जो मैंने रफली चॉप किए हैं वो मैं डाल लूँगी। तो ना मैं और ना ही मेरे बच्चे इसमें शुगर पसंद करते हैं, हम लोग शुगर इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करते, लेकिन अगर आपको हल्की फुल्की शुगर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। और हम लोग विदाउट नट्स से खा पीते हैं, क्योंकि नट्स ना मुझे पसंद है ना बच्चों को पसंद है। अगर आपके बच्चे नट्स पसंद करते हैं या आपको नट्स पसंद है तो आप इसमें बादाम ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको इकट्ठा डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ बीट करना है और कुछ नहीं करना। आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो तो आप इसे आलमंड्स के साथ गार्निश कर सकते हैं, और चाहे तो लिटिल बिट शुगर ऐड कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं, ना मुझे पसंद है ना ही हृदयांश जियांश दोनों को नहीं पसंद है, तो पीते हैं यमी यमी शेक। तो हृदयांश और जियांश ट्यूशन जा चुके हैं, काफ़ी देर से हम लोग स्टडी वगैरह कर रहे थे, अब उनको मैंने ट्यूशन भेजा है। इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।